जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि यात्रा में क्या खाएं और क्या ना खाएं। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यात्रा में जितने भी लंगर लगते हैं वो सब श्राइन बोर्ड से परमिशन लग के लगते हैं और उनको एक लिस्ट दी जाती है कि वो यात्रा में यही बनाएंगे, इसके अलावा कोई भी फूड ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे कि भक्तों को परेशानी हो। तो बाबा जी के जितने भी लंगर वाले भक्त हैं वही खाना बनाते हैं जो भक्तों के लिए फ़ायदेमंद हो। फिर भी मेरा जो पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है यात्रा का, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग को पूछते हैं क्वेश्चन, और जो हमारे ग्रुप में लोग जाते हैं वो भी वहाँ जाके कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो हर आदमी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है कि हर खाना हर आदमी को शूट करेगा, तो कुछ चीज़ें किसी को शूट करती हैं किसी को नहीं करती हैं। तो उसी बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सुबह यात्रा स्टार्ट करें आप, कभी भी खाली पेट यात्रा स्टार्ट ना करें। आप चाय, रस, बिस्किट या हल्की फुल्की सब्जी रोटी खा के ही यात्रा स्टार्ट करें, या कहिए आप या भंडारों में परांठे और अचार वगैरह होता है तो हल्का, मतलब एक आदमी के लिए एक परांठा काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आप ज़्यादा परांठे खा लेंगे, ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे तो आपसे चला नहीं जाएगा और आपकी सांस फूलेगी, ये कन्फर्म है। मतलब 95% भक्तों से दिक्कत होती है। तो आप हल्का खाना लें और खाली पेट बिल्कुल भी यात्रा ना करें, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा ये है कि वहाँ पे आंवले के मरब्बे मिलते हैं कई भंडारों में, आप वो खा लें, कुछ चटपटा खा लें, टॉफियाँ अपनी जेब में रख लें, चूसते रहें तो एनर्जी आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे जब भी आप चल पाएंगे। और दूसरी बात यह है, जैसे शेषनाग जैसी जगह में एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी और 5-6 भक्तों का और भी, और हमेशा मतलब जिसने भी देखा है मैंने कि शेषनाग वाली जगह में जिसने चावल खाए हैं उसको दिक्कत हुई है। दिक्कत का कारण ये है कि चावल ठंड में पच नहीं पाते हैं। तो जैसे मैंने भी चावल खाए थे एक बार, जब मैं पहली बार यात्रा पे गया था, सांभर चावल खाया था मैंने भी वहाँ पे, तो मैंने 2 बजे चावल खाए थे और शाम को 8 बजे जब मेरे को उल्टी होगी तो चावल वैसे के वैसे निकले और वो बेचैनी रही, चावल पचते नहीं है। तो मेरा ये अनुभव है कि आप ठंड वाली जगह में चावल का सेवन ना करें। शेषनाग में ही सबसे ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ चावल का सेवन ना करें। दूसरा, जब शेषनाग से चलेंगे आप अगले दिन तो आपको गणेश टॉप चढ़ना है चढ़ाई, तो वहाँ से भी आप हल्का फुल्का खाना खा के चलें, क्योंकि आगे जब गणेश टॉप उतरेंगे आप तो पोषपत्री के भंडारे में पेट भर के खाना खाएँगे, उसके बाद सारी उतराई है और आपको 5 दिन स्टे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें और तो कहीं पर भी खाने की कोई दिक्कत नहीं है। और आप मतलब हल्का फुल्का खाना लें, ज़्यादा भारी खाना ना लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के समझा दूँ। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।